ये आवाज जो आप लोग वीडियो में देखने लग रही है बॉर्डर खनौरी बॉर्डर पर हरियाणा साइड में ये आवाज हो रहे हैं, जमकर पत्थर चले हैं दोनों साइड पे हरियाणा पुलिस के जवान और आरएएफ के जवान के द्वारा और किसानों के द्वारा। आज किसानों की सुबह तय ही भीड़ चुकी थी दाता सिंगड़ा बॉर्डर पर, तो उसके बाद है भीड़ को तीतर बितर करने के लिए लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े गए और अब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज जो है बहुत सारे भाइयों की पार्टी तोड़ी गई है, मोटरसाइकिल भी तोड़े गए। उसके बाद किसानों को यहाँ से भगा दिया गया, जो बॉर्डर के पास लगातार भीड़ जुटने लगी थी, आसपास के किसान आने लगे थे, हालात जो बेकाबू हैं आप लोग इस वीडियो में दिखने लग रहा है। ये हरियाणा साइड में जो दाता सिंगड़ा बॉर्डर वाला पह देखो, आसपास के गांवों के नौजवान हैं जो लगातार बटले होने लग रहे हैं और पूरे सुबह मतलब मीडिया कर्मियों की और गाड़ी भी तोड़ी गई है और लाठी चार्ज भी होया है। जो जोगेंद्र सिंह नैन गासीराम का लड़का, आज़ाद पालुआ सिक्किम, यहाँ किसान नेता डॉ बलबीर, यहाँ आसपास के किसान नेता पहुँचे थे बातचीत करने खातर एसपी और डीसी तय। तो उसके बाद पूरे के तनावपूर्ण हालात हो गए, लगातार सुबह तक आंसू गैस के घोड़े दागे जाने लग रहे हैं और भीड़ को तितर बितर करने लग रहे हैं लगातार। और गांव उजाणा में भी उधर उजाणा में भी मतलब पक्का बैरिकेड लगा दिए, इस साइड आने तक सब तक रोकने लग रहे हैं। देखो भाई यहाँ उरे के आसपास के गांव के नौजवान हैं जो पूरे पटले होने लग रहे हैं। ये हरियाणा साइड में हालात हैं भाई बॉर्डर के, लगातार आसपास के गांवों के नौजवान हैं, उरे भीड़ बटली हुआ है लेकिन उसके बाद तितर बितर कर दी जावे भीड़, सुबह से आंसू गैस के गोले दागे जान लग रहे हैं। और पुलिस फोर्स है दोनों साइड है, आगे भी है और पीछे भी है, मतलब उजाणा साइड में भी बंदी लगा रखी है।